कोरियन स्टेशन करके स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे कोरियन फूड मिलते हैं जैसे सुशी, बबल टी और लाफिंग। मेन हम उनकी लाफिंग ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है देखो, लाफिंग जो है सबसे बेस्ट वो मिलती है मजनू का टीला में, और मजनू का टीला ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोगों को दूर पड़ता है अगर वो ये जनकपुरी और इस साइड रहते होते हैं तो इसलिए अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं ट्राई करने की क्या वो वर्थ है, क्या मतलब मजनू का टीला को वो कॉम्पिटिशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। और वहाँ पे सुशी, बबल टी और रामेन नूडल्स ये सब मिलते हैं। तो है कोरियन स्टेशन, ये है आपका जनकपुरी सीपुरी मार्केट के अंदर, जहाँ पे प्रेम चाइनीज़ फास्ट फूड है ना, वहीं उसी फास्ट फूड जो है ना उसी के साथ में है। अभी हम पहुँच ही गए हैं, देखते हैं फिर। तो हम पहुंच गए हैं सीफोरी मार्केट, और ये जो है गवर्नमेंट स्कूल, और ये आ गया है, ये प्रेम चाइनीज फूड है यहाँ। और यहाँ पे मैं कोरियन स्टेशन अगर ढूंढूँ तो मुझे हाँ बोला वो दिख गया, परफेक्ट कट सैलून है ना, जहाँ पे ये मोमो वेज शॉर्मा है, जहाँ पे मैं बेइज्जती करके आई थी। गया है कोरियन वो स्टेशन। अभी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि 2 बजे उसको खुलने का टाइम है, 2 से 11 का है। तो अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। तो भाई ये है इनका प्यारा सा क्यूट सा, इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे सामने सामने भी मेन्यू लगा रखा है, और एक मेन्यू भी है जिसमें सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ हमारी लाफिंग रेडी हो रही है, हमने एक वेज लाफिंग, वेज सुशी और डार्क चॉकलेट बबल टी का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे भैया जो है ये लाफिंग बना रहे हैं, और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, देखो इन्होंने ग्लव्स वगैरह पहन रखे हैं, सब कुछ बहुत ही हाइजीन एरिया है, अच्छे तरीके से बना रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे वेज सुशी तैयार करी जा रही है। देखो पहले राइस और ना एक कुछ पेपर होता है वो लगाते हैं, और इस पर कुकुम्बर्स वगैरह और कुछ एक ना अलग सी चीज़ थी, बस उसका नाम मैं भूल गई, वो भी ये वाली ये रखते हैं, और इसको अब ये रोल करते हैं, और फिर इस तरीके से सुशी बनती है। यहाँ पे ये देखो, ये जो कोरियन नूडल्स होता है ना, आप ये भी बनवा सकते हो इनसे। ये हमारी यहाँ पे बबल टी डार्क चॉकलेट वाली रेडी हो रही है यहाँ पर। बोबा टी भी ली थी ये देखने के लिए कि हमने जहाँ पे पहले बोबा टी ली थी उससे डिफरेंट है ये, क्योंकि ये ना चॉकलेट वाली है, और बहुत ही हद से ज़्यादा टेस्टी है यार, ऐसी कभी नहीं पी हर्षु कसम से। ठीक नहीं है, इसका अलग टेस्ट है क्योंकि इसमें बोबा भी आ रहा है मुंह में, है ना, कैसी है बता। मैंने अपना सामान जो है पैक करवा लिया था ताकि हम ना गाड़ी में आके अच्छे से रिव्यू कर सके। मेरे पास ये लाफिंग, यू कैन सी अच्छी लग रही है ना देखने में, अब इसको खाते हैं उसका रिव्यू देंगे। चिकन वाली नहीं है ना ये, हाँ वेज वाली बोली थी ना हमने तो। देखो स्पाइसी नहीं है, है ना, इसको लगेगी क्योंकि इसको ज़्यादा मिर्ची लगती है, बट ना स्पाइस फ्लेवर जो वहाँ पे होता है ना मजनू के टीला में वैसा नहीं है, बट टेस्ट अच्छा है, डिसेंट है और बैलेंस्ड है ना। थोड़ी ना अब थोड़ी मिर्ची ने हिट करा है ना, बाद में आई है वो हिट, पर अब स्पाइसी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ना सुशी के साथ ना ही मिलती है, इसको कहते हैं विनेगर कहते हैं ऐसे ना, सोया सॉस होती है, सोया सॉस। ये है सुशी सोया सॉस। तो ये ना चॉपस्टिक्स होती है, ये देखो ये ना जुड़ी हुई है, इसको ना ऐसे करना पड़ता है ताकि ना खुल जाए, गिर ले जो कि खुल नहीं रही है, ऐसे खोलते नहीं है उसको, चूचू ऐसे खोल के ही खाते हैं भाई, वरना वो देख ऐसे स्टिक होती है तो कैसे खाओगे। अबे स्टिक होती है इसलिए तो। अरे यार तेरे को नहीं पता, तू कभी गूगल पे जाके देखेगा तो तुम्हें पता लगेगा। इसको ना उससे आप नहीं खा सकते क्योंकि ना ये ना खुल रहा है। ये चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको इसमें डालेंगे। मुझे मैंने कभी सुशी खाई नहीं तो मुझे पता ही नहीं है सुशी का टेस्ट होता कैसा है। तो इसलिए मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है राइस है, ये सी वीट पेपर होता है ऊपर, इसमें कुछ फ्राई करके डाला हुआ था इसने। तो मैं नहीं खाऊंगा ये ऊटपटांग आइटम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अच्छी है,
जो दूसरों पे हंसते हैं ना उन पे भी हंसूंगी मैं। तो अभी धीरे से उठाया, काफी देर लग गई। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? खाई है, क्या हो गया, अच्छी नहीं लगी? क्यों? मतलब अपना टेस्ट नहीं है ये दिल्ली वालों का यार। दिल्ली वालों का टेस्ट, देखो हमने कभी सुशी खाई नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकती इससे, बट है हेल्दी, हेल्दी होती है वैसे तो। मेरे को अच्छी लग रही है, लगी सुशी यार, इसका टेस्ट अच्छा है। राइस और ना महंगा है, पर महंगा तो है, 200 रुपए की है ये। ओके गाइस, तो कर लिया हमने अपना खाना पीना, सुशी खा ली, लाफिंग खा ली और बबल टी चॉकलेट वाली पी ली। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ ऑनेस्ट अपने रिव्यू से, तो देखो लाफिंग का फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लाफिंग मुझे अच्छी लगी, स्पाइसी इतनी नहीं थी। वो जो बहुत ज्यादा स्पाइसी लवर्स होते हैं ना उनके लिए भी ठीक है, डिसेंट टेस्ट। अगर आप उनको स्पाइसी बोलेंगे वो और स्पाइसी कर देंगे। हाँ डिसेंट टेस्ट है, अच्छा है, बट बाद में हिट होती है थोड़ी सी मिर्ची। और फिर बात है सुशी की, सुशी जब मैंने एक दो पीस खाए तो मुझे अच्छे लगे, बट ना सुशी हमने कभी खाई नहीं है, हो सकता है जिनको सुशी पसंद हो वो इसको पसंद करे, बट जो जिसने खाई नहीं है उसको नहीं पसंद आई। और जो बबल टी थी वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, मगर उसके जो छोटे छोटे वो थे ना बोबा से, वो बहुत हार्ड थे, वो ना च्यू नहीं हो रहा था, वो जब उसको च्यू कर रहे थे ना लगता था रबड़ को च्यू कर रही हूँ मैं, हो सकता है वो ऐसे ही होता हो और पता नहीं। हमने पहले टी पी थी, वो तो एकदम से बर्स्ट होते थे वो मुंह में, वो बहुत अच्छी लगी थी इसलिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर जाना, जाने वाली जगह है, एक नया टेस्ट है, न्यू ट्राई कर सकते हो, आपको एक नया आपकी टंग को टेस्ट मिलेगा देसी से हटके, तो जरूर जाना। जो देसी है वो तो जाते ही बोलेगा कि भैया ये क्या है, वो बोलेगा यार अपना इंडियन टेस्ट भी अच्छा है। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा देख के, तो जरूर जाना और ट्राई करना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।